सहारनपुर के दिल्ली रोड पर एशियन कंपनी खोली गई थी, उसमें महिलाओं से 2400 लेकर उन्हें गोले बनाने को दिए गए थे। 14 दिन के अंदर उनको 4000 देने का वादा किया था। उससे पहले ही कंपनी महिलाओं के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। जैसे ही इसकी सूचना महिलाओं को मिली, महिलाओं ने इकट्ठा होकर हंगामा किया। इस दौरान महिलाएं जाम लगाने की कोशिश करती नजर आई हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। सहारनपुर से दैनिक भास्कर के लिए मनोज मिठा की रिपोर्ट। आपका नाम? मंजुरानी है। हम सहारनपुर के ही है भाई। क्या हुआ यहाँ पे? ऐसा हुआ, कुछ औरतें आई, एक वहाँ कंपनी खुली एशियन की, तो हमने सोचा चल महिलाओं को घर बैठे काम मिल जाएगा, अब कंपनी में कोई जान नहीं तकता भाई, तो हम ऊन लाए, 2400 रुपए जमा करे उन्होंने, हमें 2 किलो ऊन दे दी। उन्होंने बोला कि इसे 8 दिन में लाइयो और 8 दिन में तुम्हें हम 4000 रुपए दे देंगे। इस लालच में औरतें आती चली गई, एक दूसरे को बताती चली गई, अब हमारे बहुत ज्यादा पैसे फंस गए, करोड़ों रुपए लेकर भाग गए लोग। महिलाएं यहाँ तो करोड़ों आदमी जुड़े हुए भैया, गाँव से भी आए हुए कुछ लोग। जब आप यहाँ पे आए थे, आपने पैसे जमा किए, आपको कागज वगैरह दिया? कागज है दिए, देखो यानी कि अब 2400 रुपए लेके एक हफ्ते के बाद 4000 वापस देते हैं? नहीं, हम उनके गोले बनावेंगे, हमने उनके हाथ उनके देते हैं 15 दिन में 4000 रुपए। कुछ ऐसा सिस्टम था कि एक औरत से दूसरी औरत? हाँ ऐसा ही है, जोड़ने वाली बात थी, जो मैं आई तो दूसरे को लाऊंगी, दूसरा आवेगा तो दूसरा को लाऊंगा। पूरी चैन बनानी, पूरी चैन बनानी थी। इन्होंने इस तरह करोड़ों रुपए इकट्ठा करके भाग दिए। आज हम यहाँ पर आए तो गुंडागर्दी हो रही थी, लोग सामान उठा उठा कर भाग रहे थे। कंपनी कहाँ है? कंपनी ये कंपनी है नहीं, कहाँ है कंपनी वाले? कंपनी वालों को पता होता है, सिर में फूट जाते हैं उनकी, चले गए तो भाग गए। अब भाई हम ये चाहते हैं, गरीब आदमियों को पैसा फंसा हुआ कौन देगा? पुलिस कुछ नहीं कह रही भाई, और भगा रही यहाँ कंपनी वाले को, कोई है ही नहीं भाई यहाँ पुलिस वाले तो। देखो आज तो सब जाना है, कोई इंसाफ तो कोई नहीं है दुनिया में। कहने को तो योगी मोदी की सरकार है, पर देखो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, गरीब आदमी उधार ले लेके आ रही महिलाएं, अब ये कहाँ से देंगी पैसे? इंसाफ होना चाहिए औरतों के साथ। जी हाँ, आज सुबह ये संज्ञान में आया है, कुछ महिलाएं वहाँ पे इकट्ठी हुई, 100 से 150 महिलाएं कुछ इकट्ठी हुई, उनके द्वारा ये आरोप किया गया कि वहाँ पे कंपनी थी हसनपुर चौकी के पास, जो वी प्रॉस अस्पताल है उसके पास से एक एशियन एंटरप्राइज करके कंपनी थी, जिसमें महिलाओं से वो 2400 रुपए की रसीद दी जा रही थी, जिनसे उसे पैसे लिए जा रहे थे और उनको वापस 4000 रुपए देने का वादा किया गया था। जब इन महिलाओं ने उन पर दबाव बनाया मालिक पे, कंपनी के मालिक ने, तो आज देने का वादा किया गया था, लेकिन आज वो वहाँ से फरार हो गए। पुलिस के संज्ञान में मामला इससे पहले आया नहीं था। आज जब महिलाओं ने इकट्ठे होकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया तो पुलिस के संज्ञान में मामला आया है। अभी वहाँ पे उनसे बातचीत करी जा रही है, उनको ये भी बताया जा रहा है कि जो भी इस पे वो कानूनी कार्रवाई कराना चाहती हैं वो कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, और जो इसके पीछे आरोपी हैं जिन्होंने उनका पैसा लिया है उनको पुलिस गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई करेगी। जी नहीं, अभी जानकारी जुटाई जा रही है, अभी तो महिलाओं को शांत कराया जा रहा है।